दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, दिल्ली से ज्यादा खराब हुई पटना की हवा, 3 जिलों में खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। पटना में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा, अब तो यहाँ की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली का AQI 360 था, जबकि पटना का 384। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पटना समेत बिहार के 14 जिलों की हवा बेहद खराब रही, जबकि 3 जिलों की हवा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और ये प्लास्टिक जलाने के कारण हो रहा बिहार के सबसे प्रदूषित। इन जिलों में प्रदूषित हवा लोगों को तेजी से बीमार कर रही है, साथ ही बिहार के लोगों की उम्र भी कम हो रही है। बिहार के सबसे प्रदूषित इन जिलों में सांस लेने में परेशानी जैसी अन्य बीमारियों का कारण ये प्रदूषित हवा हो सकती है। बिहार के इन जिलों की हवा में प्रदूषण का मुख्य कारण PM2.5 है। हवा में सूक्ष्म धूल कणों की मात्रा बढ़ने से PM2.5 बढ़ता है। राज्य के जिन जिलों में हवा बेहद खराब है उसमें औरंगाबाद, बिहार शरीफ, आरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, राजगीर, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम भी शामिल है। अगली खबर, बिहार सरकार सत्ता लेकर जमीन दे तो हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोलने को तैयार। पशुपति पारस का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई को लेकर ये कहा कि अगर सरकार जमीन दे रहे तो केंद्र यहाँ पर विश्वविद्यालय खोलेगा जो देश में तीसरा होगा। लोजपा के दोनों गुटों के विलय को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि चिराग निष्पक्ष भाव के साथ आए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग भी वो अच्छे सलाहकार नहीं है। जातीय गणना के मसले पर श्री पशुपति पारस ने कहा कि यह देश में होनी चाहिए, इसमें सभी जाति और धर्म की गिनती की जानी चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम को भी बिहार में लागू करना चाहिए। अयोध्या मगध विश्वविद्यालय में लगातार पिछड़ते सत्र से बढ़ी छात्रों की चिंता, 3 साल के कोर्स में लग रहे 5 साल। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा। यहाँ पर 3 साल के कोर्स में 5 साल लग रहे तब भी कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा। स्थिति यह है कि 2018 में पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का अब तक कोर्स पूरा नहीं हो पाया, जबकि स्नातक का कोर्स मात्र 3 साल का ही होता है। इसी तरह 2019 और 2020 में भी पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं ली गई है, जिसके कारण वो अगली कक्षा में नामांकन नहीं करा पाए। अलखर नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर कांग्रेस को घेरा, कहा कि मेरे खिलाफ बहुत बोलते हैं कुछ लोग। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी पर कुछ लोग मेरे खिलाफ बहुत बोलते हैं। बापू की इच्छा के मुताबिक ही राज्य में शराबबंदी की गई है, इससे ना जाने कितने परिवारों की स्थिति सुधरी है। बिहार में किसी पार्टी ने शराबबंदी का विरोध नहीं किया था, सभी ने एकजुट होकर इसका समर्थन किया था। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तो सदस्यता रसीद पर ही लिखा है कि शराब नहीं पीना है। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि सभी लोग आम लोगों से मिले जुले, उनसे ठीक से बात करें। कुड़नी की हार पर कहा कि एक जगह चुनाव हारने से कुछ खत्म नहीं होता। अगलीखर, बिहार में जल्द ही 3,38,000 पदों पर शिक्षकों की बहालियों की नियोजन रूलबुक में किया जाएगा बदलाव। शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन रूलबुक में बदलाव करने की तैयारी कर रहा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक ली है। जानकारी के मुताबिक विभाग इस चरण से पहले शिक्षक नियोजन से जुड़ी रूलबुक में अमूमन बदलाव की तैयारी कर रहा। राज्य सरकार शिक्षक नियोजन रूलबुक 2020 में जो बदलाव करने की तैयारी कर रही है, इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग कर दिया जाएगा या फिर उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। अगली खबर, बिहार में अब मनमाने तरीके से लोग नहीं करा पाएंगे बोरिंग। कम रहा है पानी, आपको बता दें कि राज्य में बारिश खत्म होते ही हर वर्ष भूजल का स्तर गिरने लगता है और गर्मी में सरकारी चापाकल एवं निजी बोरिंग तक पानी छोड़ने लगता है। राज्य सरकार के स्तर पर हाल में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों से मिली हर रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत अब धड़ल्ले से हो रहे निजी बोरिंग पर अंकुश लगाया जाएगा और इस मामले में गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी लघु जल संसाधन विभाग को दी गई है, जिसमें संबंधित विभाग भी अपना सहयोग करेंगे। अगली खबर, जामताड़ा बन रहा बिहार का जमुई जिला, यहां से दूसरे राज्य में ठगी कर रहे साइबर शातिर। पाकिस्तान तक जुड़े हैं तार। पड़ोसी राज्य झारखंड के जामताड़ा की तरह जमुई में भी साइबर ठगों का संजाल फैल रहा। इसे साइबर शातिरों का नया ठिकाना भी कह सकते हैं। ये शातिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लोगों को झांसे में लेकर उनसे ठगी कर रहे। इस काले काम में मुख्य रूप से फोन का सहारा लिया जा रहा। कई गांव के युवा साइबर अपराध से जुड़ रहे। हाल के दिनों में कई राज्यों की पुलिस यहां पर दस्तक दे चुकी है, कई शातिर भी पकड़े गए। पुलिस डायरी में दर्ज साइबर अपराधों के मामलों में यह साफ हो रहा कि जमुई जिले में साइबर शातिरों की सक्रियता बढ़ी है। एक साल के आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी यहां के लोगों ने लूट लिया। अगली खबर, सीएम नीतीश ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कि एक जगह चुनाव हारने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुड़नी में जदयू की हार का संदर्भ लेते हुए कहा कि एक चुनाव हारने में सब कुछ खत्म नहीं होता, सभी लोग आम लोगों से मिले जुले और उनसे ठीक से बात करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू को अभी 2 राज्यों में मान्यता मिली है,
हमें एक और राज्य में मान्यता जैसे ही मिलेगी हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, हम जिस घर में जाएंगे वहां पर हमें समर्थन जरूर मिलेगा। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही सदर अस्पतालों में मरीज और उनके स्वजन अपनी स्थानीय भाषा में अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी ले पाएंगे। सरकार का फैसला है कि अस्पतालों में मरीजों के किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्हीं की भाषा में मुहैया करवाई जाए। यह व्यवस्था जो है बाकायदा स्वास्थ्य की नई संचालन प्रक्रिया SOP में शामिल कर दी गई है। इसके लिए अस्पतालों में मगही, भोजपुरी, मैथिली और बज्जिका जैसी भाषाओं के जानकार भी रखे जाएंगे। अगली खबर, राज्यसभा सदस्य एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जहां भाजपा ने गुजरात में 156 सीट जीतकर रिकॉर्ड कायम किया, वहीं जदयू के बापूनगर विधानसभा के उम्मीदवार पठान इम्तियाज सिद्ध खान ने 30 वोट लाकर गुजरात में सबसे कम वोट लाने का रिकॉर्ड बना दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा को 52% मत मिला, वहीं जदयू को 0% मत मिला है। मोदी ने कहा कि आपने 13% वोट प्राप्त कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जबकि जदयू ने 0% मत प्राप्त करके क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे तक सीमित रह गई। अगली खबर, नीतीश कुमार ने अब ललन सिंह को दे दी है विपक्षी एकता की जिम्मेदारी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह की ओर देखते हुए कहा कि ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सब बता देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब आपको बताएंगे ललन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बताएंगे कि आगे क्या होना है, अब जो भी होने वाला है वो सब उन्हीं की जिम्मेदारी है, वही सब बताएंगे, हमको कुछ नहीं पता। पत्रकारों ने उनसे मिशन 2024 को लेकर सवाल पूछा था कि आगे की क्या तैयारियां होगी। आपको बता दें कि कुर्दी में जेडीयू के मनोज कुशवाहा को बीजेपी के केदार गुप्ता ने हराया था। इसके बाद विपक्ष ने हार का जिम्मा नीतीश कुमार को दिया है और ललन सिंह को भी घेरा है, हालांकि RJD भी इस हार से खफा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगस्त महीने से ही देश के कई राज्यों में जाकर विपक्षी एकता को जोड़ने का काम कर रहे थे। इस सिलसिले में वह कई बार दिल्ली भी गए थे, हालांकि फिर से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली की ओर रुख करेंगे। कुर्दी में हार के बाद कहीं न कहीं नीतीश कुमार के हौसले पस्त दिख रहे। इस हार के बाद गठबंधन में मंथन भी जारी है। उधर बीजेपी 2025 में पूरे बिहार को जीतने की बात कर रही है। अगली खबर, बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी एक बानगी बेगूसराय में देखने को मिली। बेगूसराय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CGM को जान से मारने की धमकी दी गई। CGM GR क्लर्क नागेश मोहन सिन्हा ने 7 दिसंबर को नगर थाने में केस कराया है। जज साहब को एक अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर यह धमकी दी गई। नगर थाना पुलिस कांड की गहनता से जांच कर रही है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है। दर्ज FIR में CGM ने कहा कि 22 नवंबर को डाक से उनके दफ्तर में एक बंद लिफाफा आया और उस लिफाफे में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अलकर बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 36 सीटें जीतेगी बीजेपी। मुजफ्फरपुर के कुर्दी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी उत्साहित नजर आ रही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 36 सीटों पर चुनाव जीतेगी। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने यह भी दावा किया कि कुर्दी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जिताने में जेडीयू के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं ने मदद की है। बिहार के CM नीतीश कुमार पर हमला करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि NDA से सिर्फ नीतीश कुमार निकले हैं, बाकी लोग अभी भी NDA के साथ है, NDA एकजुट है। अगली खबर, कुर्दी उपचुनाव नतीजों पर सियासत जारी, बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई अब दावा पर आई। कुर्दी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को शिकस्त देने के बाद बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं जेडीयू हार के बाद भी खुद को कमजोर नहीं समझ रही। बीजेपी के नेता फ्रंट फुट पर आकर जेडीयू पर हमलावर है और करे भी क्यों ना, RJD के अवैध किले पर बीजेपी ने फतह जो हासिल की है। इस उपलब्धि के बाद अब बीजेपी CM नीतीश की राजनीतिक कद को गिराने में लग गई है, लगातार हमला कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बड़ा दावा किया और कहा कि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जल्द ही वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी MLC नवर किशोर ने उनसे भी दो कदम आगे बढ़ते हुए जेडीयू के विधायकों के बीजेपी में संपर्क होने की बात कहकर बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया। अलकर, नए साल पर बिहार में आएगी नौकरी की बहार, पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। दरअसल नए साल यानी 2023 में बिहार पुलिस में 75,000 पदों पर बहाली करेगी और सिपाही से लेकर दरोगा पद के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में DGP की अध्यक्षता में बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित हुई बैठक में 75,000 पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर, रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना, संसाधन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है।